टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। कंटेंट मतलब टेकी पवन एकेडमी। इस वीडियो की सीरीज में समष्टि अर्थशास्त्र की जो ये न्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसका आज का टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जिसे हम जीडीपी अपस्फायक या कीमत सूचकांक के रूप में भी जानते हैं। उसका हम मीनिंग देखेंगे और कंप्लीट डिटेल देखेंगे। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में कैसे बदला जाता है और वास्तविक जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी में कैसे बदला जाता है। तो ये सब कंटेंट इसी वीडियो में है, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी अपस्फायक कीमत सूचकांक। आइए देखते हैं न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम जीडीपी अपस्फायक को जानते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर एक देश के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन और कीमत सूचकांक को दर्शाता है। ध्यान दें, ये कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। जीडीपी डिफ्लेटर सारी कहानी इसी पे आके है कि कीमत सूचकांक या कीमत स्तर को दिखाता है ये कीमतों में होने वाले परिवर्तन को। जीडीपी डिफ्लेटर को उपभोक्ता कीमत सूचकांक गलती से भी ना मानिए। आपने जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक विभिन्न किताबों में पढ़ा होगा सांख्यिकी में, ये वो नहीं है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक तो केवल उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली जो वस्तु है ना, उसकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन को बताता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक केवल उपभोक्ताओं की कीमतों से संबंधित है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर या जो जीडीपी सूचकांक है वो समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसलिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक और जीडीपी सूचकांक में अंतर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी के अनुपात को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम? जीडीपी डिफ्लेटर। मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमतों पर जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी भी हम कहते हैं, और जीडीपी अपस्फायक को ही कीमत सूचकांक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको और जानना है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर होता है, तो आप मेरा ये वीडियो विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ष की जीडीपी का मूल्य जब उसी वर्ष की चालू कीमतों पर आंका जाए तो उसे हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर की प्राइस अगर ली जाए तो उसे हम चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं, अर्थात P1 Q1 हो, अर्थात करंट ईयर की कीमत और करंट ईयर का ही प्रोडक्शन हो, तो उसके गुणनफल को हम चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। जबकि आधार वर्ष की कीमतों पर यदि प्रोडक्शन को गुणा किया जाए, चालू वर्ष का प्रोडक्शन और आधार वर्ष की कीमतों को अगर गुणा किया जाए तो उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। दूसरा सूत्र है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस इनटू 100। हिंदी में इसको कहते हैं जीडीपी अपस्फायक मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इनटू 100। और यही इसका फिर से सूत्र है, कीमत सूचकांक भी कहते हैं जीडीपी अपस्फायक को। तो कीमत सूचकांक बराबर चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन स्थिर कीमतों पर जीडीपी इनटू 100। ये चारों सूत्र एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चारों सूत्र एक ही है। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, यदि वास्तविक जीडीपी 500 हो, मौद्रिक जीडीपी 700 हो, तो कीमत सूचकांक कैसे निकालेंगे? देखिए, कीमत सूचकांक का सूत्र क्या है? मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इनटू 100। तो मौद्रिक जीडीपी हमने कितनी मानी है? 700, तो मैंने 700 लिख दिया। वास्तविक जीडीपी कितनी मानी? 500, तो मैंने वास्तविक जीडीपी 500 लिख दी। तो इनटू 100 किया तो आंसर कितना निकल के आया? 140। अब खास बात, चूंकि आधार वर्ष हमेशा 100 होता है, आधार वर्ष को का मान कितना मानते हैं हम? 100। इसलिए सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी 140 माइनस 100 बराबर 40% की वृद्धि हुई है। ध्यान दें,
आधार वर्ष को हम हमेशा 100 मानते हैं, इसलिए जितना सूचकांक आता है उसमें से हम 100 घटा देते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसे हम वृद्धि या कमी मानते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस के 40% आए हैं इसलिए हमने कहा है सामान्य कीमत स्तर में 40% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ माइनस आता तो हम कहते सामान्य कीमत स्तर में 40% की कमी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में कैसे बदला जाए। उसके लिए सूत्र है, हमारा जो मेन सूत्र है वो ये है, कीमत सूचकांक बराबर मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। तो इसको सूत्र को हम बदलेंगे तो ये ऐसे बदल जाएगा, वास्तविक जीडीपी बराबर मौद्रिक जीडीपी अपॉन कीमत सूचकांक इंटू 100। ये ऐसे बन गया है, यही वाला सूत्र इस रूप में बदल गया है। तो अब देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। यदि कीमत सूचकांक 140 हो, मौद्रिक जीडीपी 700 हो तो वास्तविक जीडीपी निकालिए। तो हमारा जो सूत्र है हमने ये लिख दिया, वास्तविक जीडीपी बराबर मौद्रिक जीडीपी अपॉन कीमत सूचकांक इंटू 100। अब मौद्रिक जीडीपी हमने कितनी मानी है, 700। ये देखिए मौद्रिक जीडीपी 700 है तो 700 लिख दिया, कीमत सूचकांक कितना है 140 लिख दिया इंटू 100, तो हमारे पास ये वास्तविक जीडीपी निकलकर कितनी आ गई है 500। इस तरीके से मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदला जाता है। अब है वास्तविक जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी में कैसे बदला जाए, तो उसका सूत्र फिर से बना लेते हैं हम। कीमत सूचकांक का हमारा ओरिजिनल सूत्र ये है, मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। फिर हमने इसको बदला तो ये क्या बन गया, मौद्रिक जीडीपी बराबर कीमत सूचकांक अपॉन 100 इंटू वास्तविक जीडीपी। ध्यान दे, कैलकुलेशन आप सही करें, ये सूत्र ऐसे बदलेगा। उदाहरण, यदि वास्तविक जीडीपी 500 हो, कीमत सूचकांक 140 हो तो मौद्रिक जीडीपी निकाल के दिखाइए। तो हमने मौद्रिक जीडीपी का सूत्र लिख दिया है और मौद्रिक जीडीपी के सूत्र में हमने वैल्यूज पुटअप की, तो कीमत सूचकांक की कितनी है वैल्यू 140, तो मैंने 140 लिख दिए, बटा 100, ये बटा 100 कर दिया, फिर गुणा क्या, वास्तविक जीडीपी कितनी है 500, तो मैंने यहाँ 500 लिख दी। तो ये आंसर हमारा कितना निकल के आ गया है, मौद्रिक जीडीपी बराबर 700। अब खास बात जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये सब क्या पढ़ा, मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, ये जरूरी नहीं है जीडीपी हो। आप इस विधि का प्रयोग करते हुए पूर्णतया 100% राष्ट्रीय आय की कोई भी अवधारणा निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि मौद्रिक जीएनपी निकालिए तो उसका सूत्र भी यही होगा, बस आप जीडीपी की जगह हर जगह जीएनपी लगा दे, कोई एनएनपी पूछे तो आप एनएनपी लगा दे। ये सारे सूत्र जो जीडीपी के दिख रहे हैं आप इसे जीएनपी में बदल सकते हैं, आप इसे एनएनपी में बदल सकते हैं, आप इसे एनडीपी में बदल सकते हैं, किसी में भी बदल सकते हैं, ये सारे सूत्र सेम रहेंगे। बस जीडीपी की जगह जहां जहां हमने जीडीपी लिखी है वहां वहां जीएनपी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही सूत्र से सारी अवधारणाएं राष्ट्रीय आय की याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, जीडीपी डिफ्लेटर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये केवल जीडीपी डिफ्लेटर नहीं है, ये जीएनपी डिफ्लेटर भी हो सकता है, ये एनएनपी डिफ्लेटर भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का डिफ्लेटर हो सकता है, कीमत सूचकांक हो सकता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, संपूर्ण लगा हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।